आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं तान्या मौर्य आपके साथ, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। सीएम योगी आदित्यनाथ देवभूमि उत्तराखंड में चुनावी हुंकार भरते नजर आए। उत्तराखंड के सीएम धामी के समर्थन में प्रचार करने आए योगी ने टनकपुर में रोड शो किया। इस दौरान लोगों का जबरदस्त हुजूम दिखाई दिया, देखे हमारी खास रिपोर्ट में। उपचुनाव का शोर गूंजा चारों ओर, सीएम धामी के सामने चुनौतियों का पहाड़। सीएम योगी लगाएंगे धामी का बेड़ा पार। सीएम योगी का उत्तराखंड से गहरा लगाव है। यूपी भले ही सीएम योगी की कर्म भूमि है, लेकिन देव भूमि उत्तराखंड योगी आदित्यनाथ की जन्मभूमि है। यही वजह है कि विधानसभा चुनाव के दौरान भी सीएम कई बार नेताओं के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। दरअसल पूरे देश में बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर सीएम योगी अब अपना जलवा बिखेरने टनकपुर पहुंचे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विधानसभा उपचुनाव में उतरने के कारण भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ को भी मोर्चे पर लगाया है। वहीं चंपावत में 31 मई को विधानसभा का उपचुनाव होना है, जिसमें पुष्कर सिंह धामी भाजपा के प्रत्याशी हैं। मुख्यमंत्री धामी के चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे सीएम योगी के रोड शो के दौरान बुलडोजर फिर छाया रहा। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले देवभूमि को नमन किया और कहा, मां पूर्णागिरी का आशीर्वाद इस बार सीएम धामी को ही मिलेगा। ये सौभाग्य आज आपको प्राप्त हो रहा है कि आपको मुख्यमंत्री के चुनाव के साथ ही पूरे उत्तराखंड का नेतृत्व करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। श्री पुष्कर सिंह धामी जी को 31 मई को होने वाले चुनाव में भारी बहुमत से कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील आप सबसे करता हूं। दरअसल उत्तराखंड की चंपावत सीट पर 31 मई को उपचुनाव होना है, क्योंकि ये सीट बीजेपी की प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है। इस पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस की तरफ से निर्मला गहतोड़ी मैदान में है। आपको बता दें कि भाजपा ने बीते दिनों चुनाव के कई मिथकों को ध्वस्त करते हुए 47 सीटों के साथ दोबारा जीत हासिल की। उत्तराखंड के सियासत के कई विपक्षी सुरमा भी इस चुनाव में चित हो गए और बीजेपी का विजय रथ पहाड़ों की गलियों में जमकर दौड़ा। पुष्कर सिंह धामी भले ही अपनी परंपरागत सीट खटीमा से चुनाव हार गए, लेकिन उन्होंने इतिहास रचते हुए पहाड़ों में भी बीजेपी के लिए सत्ता के दरवाजे खोल दिए। 4 जुलाई 2021 को पहली बार मुख्यमंत्री की गद्दी संभालने वाले पुष्कर सिंह धामी 2 बार खटीमा से विधायक रह चुके हैं। वहीं वो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री की गद्दी संभालने वाले सबसे युवा नेता थे। सीएम योगी के चुनाव प्रचार में उतरने से उत्तराखंड के उपचुनाव का माहौल गर्मा गया है, लेकिन अब देखना ये काफी दिलचस्प होगा कि 21 मई को जनता किस उम्मीदवार पर अपना ज्यादा भरोसा जताती है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। आज के खास खबर में बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।